चलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्क दर्शन। सो गाइस, मैं चेजकर अरिसा स्कॉलर एट आईआईटी मद्रास आप सभी लोगों के लिए फिर से एक और बेहतरीन एंड इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आज गया हूँ। जो अपडेट है दैट इज कमिंग फ्रॉम डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था वाया गेट 2023। तो गाइस, आज इन्होंने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो जारी कर दी। जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ये गेट स्कोर के जरिए आपका रिक्रूटमेंट लेता है। ऑलमोस्ट हर साल इसका रिक्रूटमेंट आ रहा है। हर एक ब्रांचेस में केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांचेस में इसका रिक्रूटमेंट आता है। एंड गाइस, अब देखिए 2023 का गेट हुआ था एंड शॉर्ट लिस्टिंग अभी कर रहा है। इसमें ताज्जुब की इंटरेस्टिंग ये बात है कि गाइस, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, आप लोग का डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि एनटीपीसी करती है, वैसे ही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी करती है। यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ होता है, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होती है उसका 1:5 में आपको बुलाया जाता है। तो गाइस, चलते हैं पूरे एडवर्टाइजमेंट की ओर, शॉर्टलिस्टिंग की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इट इज इन डीवीसी थ्रू गेट 2023। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने ये दे दिया कि इसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जिनको भी डीवी में बुलाया गया है। ओके, डीवी में जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:5 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गेट 2023 मार्क्स। जिन्होंने भी अप्लाई किया था गेट 2023 में, जो मार्क्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जैसा था, उसके अकॉर्डिंगली आपको बुलाया गया है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से प्रोड्यूस करने है? तो सबसे पहले गाइस, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोड्यूस करना है। सेकेंड है गेट 2023 का स्कोर कार्ड आपको देना है। थर्ड है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लेकर आना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्लास 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। फोर्थ है वैलिड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपको 10th 12th एंड आपके जो डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके सर्टिफिकेट्स या फिर आपको मार्कशीट जो होती है वो प्रोड्यूस करना है। वैलिड डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर कोई फाइनल ईयर में है तो उनको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज डिग्री नहीं होगी उनके पास में, एंड जब पास आउट है उनको डिग्री देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला ये आपको लेकर जाना है। SC ST EW सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, जो भी जिन्होंने भी अप्लाई किया था इसके अंडर में। अगर कोई PW कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इन केस ऑफ OBC EWS SC ST सर्टिफिकेट, आपका जो बेसिकली जो OBC सर्टिफिकेट होता है ये आपको प्रोड्यूस करना है। एज रिलैक्सेशन कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये भी प्रोड्यूस करना है। अगर किसी ने OBC कैटेगरी में अप्लाई किया है या फिर SC ST कैटेगरी में अप्लाई किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने आपके पास होगा तो आपको प्रोड्यूस करिए। NOC कोई व्यक्ति जो पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी PSU में किसी वर्क कर रहे हैं और वो DVC में जा रहे हैं, तो NOC इज रिक्वायर्ड। विदाउट NOC आप जाइएगा मत। अभी रिसेंटली हमारे एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका, उनके पास NOC नहीं था तो उनका HPCL में ऑफर रिवोक हो गया है। तो ये बहुत ध्यान से, NOC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप लोग ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे। एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट का एक्नॉलेज रिसिप्ट, ये चीज आपको चाहिए रहेगी। ठीक है, वेन्यू आपका कहाँ पे? वेन्यू आपका होने वाला है 12th फ्लोर डॉक्टर मेघनाथ शाह ऑडिटोरियम, DVC टावर, VIP रोड, नियर उल्टा डांगा, कलकत्ता में आपका 10 बजे से आपका DV चालू हो जाएगा। ओके, तो गाइस अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ की ओर। सबसे एक और चीज, नो ट्रैवलिंग अलाउड, TA विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कोई भी TA आपको नहीं मिलने वाला है। अब गाइस गेट 2023 के कट ऑफ मार्क्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितनी गई है। गाइस देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर में कितना कम कट ऑफ गया है, कितना कम कट ऑफ गया है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अनरिजर्व में आप देख सकते हैं 55.67 मार्क्स आपका गया है अनरिजर्व में, 51 मार्क्स गया OBC में, SC में गया है 38.33 मार्क्स एंड ST में गया है 34.33 मार्क्स, EWS में गया है 50 मार्क्स आपका, गेट के मार्क्स से आउट ऑफ 100, गेट के मार्क्स आपके आउट ऑफ 100। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में देखिए 36.33 गया अनरिजर्व के लिए, 36.33 इलेक्ट्रिकल में, OBC में 33.67, SC में 27.67, एस्टीमेट 25, AWS में 29 मार्क्स, 29 मार्क्स पे आपका DV में कॉल आया है, DVC में कॉल आया है, मतलब कितना कम कट ऑफ गया है। CNI मतलब कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड IT में, वहाँ पे कट ऑफ गया 59.33, OBC में 49.33, SC में 37.33, ST में आपका जो कट ऑफ गया दैट इज 36 मार्क्स एंड AWS में 49.67 आपका कट ऑफ गया है। सिविल में बात करें तो 58.84 कट ऑफ गया अनरिजर्व में, 54.73 OBC NCL, 46.82 SC, ST में 41.04, AWS में 49.91 आपका गया 2023 का कट ऑफ। अब इंजीनियर ट्रेनिंग IT में गाइस, यहाँ पे नो वैकेंसी नहीं थी इसलिए कट ऑफ नहीं दिया है। OBC में 63, SC में 45.33,
एसटी में नो वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 63 मार्क्स। इंजीनियर ट्रेनिंग केमिकल में आप कट ऑफ देख सकते हैं, अनरिजर्व का 61 मार्क्स गया था, 61 मार्क्स। ओके, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है, इसका नो वैकेंसी, एससी में भी नो वैकेंसी, इसका कट ऑफ इन्होंने रिलीज नहीं करी है। सिर्फ आई थिंक सो डीवीसी में टोटल आपके दो ही सीटें, दो या तीन सीटें थी, ठीक है, केमिकल में, इसलिए कट ऑफ कम गया। भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जिनका भी लो विजन है एलवी में अप्लाई किया उनका कट ऑफ गया 26.33, डेफ एंड हार्डनिंग में उनका कट ऑफ गया 24, एंड एलडी में आपका गया 30.67, डी एंड ई में गया 24.67। ओके, अब गाइस ये रहा कट ऑफ 2023 का डीवीसी का कट ऑफ। अब गाइस कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया गया है, है ना। तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं मैं आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो गाइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग 316 स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाया गया है। आप लोग गाइस देख सकते हैं, अगर आप लोग का शॉर्टलिस्टिंग में नाम आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि सर आई एम शॉर्टलिस्टेड, आगे का क्या होगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आपको और भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके गया है टोटल 300 लोगों को इन्होंने बुलाया है, 300 लोगों को इन्होंने बुलाया गया है। भाई सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइस सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने 203 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, एंड कंप्यूटर साइंस में गाइस 18 स्टूडेंट्स को बुलाया है। उसके बाद ईसी में टोटल 81 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, एंड केमिकल में टोटल 12 लोगों को इन्होंने बुलाया है। ओके, तो गाइस सब बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को, बहुत बड़ा दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं मार्गदर्शन। अब डीवी के बाद गाइस आपका होगा मेडिकल भी होगा, एंड इसमें से काफी लोग कट भी जाएंगे अभी। ओके, सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, तो 1:5 का शॉर्टलिस्टिंग है, तो एक बच्चा, पांच में से एक बच्चा आपका सिलेक्ट होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे जैसे कि इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो अगर गाइस आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो तो गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कि सर आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे गाइस। तो गाइस अभी अगर जो भी स्टूडेंट गेट 2025 का तैयारी कर रहा है, तो गाइस वो भी ध्यान रखिएगा कि डीवीसी भी रिक्रूट करती है वाया गेट, एंड बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं कि हमें बहुत ज्यादा नंबर लेकर आना है। आपने भी देखा कि कट ऑफ कितना कम गया है ना। तो आप लोग पीएसयू में लो गेट स्कोर पे भी आप लोग वर्क कर सकते हो अगर आपका आ जाता है तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे गाइस। और अगर वीडियो पसंद आया गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि सबसे पहला वीडियो टीम मार्गदर्शन की तरफ से ही आता है, कोई भी पीएसयू का कट ऑफ हो या फिर कुछ भी हो, है ना। थैंक यू।